गाइस, इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2022 में सिर्फ 5 महीनों के अंदर अंदर 83 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी की मांग कर रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर यूपीआई इतना पॉपुलर कैसे हो गया? पहला रीजन, सिर्फ आपके फोन नंबर या फिर क्यूआर कोड से ही आपका काम हो जाता है। और दूसरा, क्विक एंड फास्ट ट्रांजेक्शन, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आपका पेमेंट कम्प्लीट हो जाता है। और तीसरा, जीरो ट्रांजेक्शन फीस। कि आप किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपका कुछ न कुछ परसेंटेज चार्ज कट जाता है, और वहीं आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता। वैसे गाइस, क्या आप भी यूपीआई यूज करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तब उसको चार्ज करने के लिए आप मोबाइल का चार्जर ढूंढने लगते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपका चार्जर मिले ही ना, या फिर आप उस समय ऐसी जगह पर हैं जहाँ इलेक्ट्रिक ही ना हो, तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी शाओमी, जो एक ऐसी डिवाइस बना रही है जिससे आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। यह डिवाइस सबसे पहले हमारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगी, फिर इन्वायरमेंटल वाइब्रेशन को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगी, फिर वह डिवाइस मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा मोबाइल चार्ज करेगी। गाइस, यह सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल है, बट इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। गाइस, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है चैट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।